व्यक्तित्व के हाथ से, जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयं आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फर्स्ट, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि। और अब दहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक है अन्याय का, असत्य का, अधर्म का, और करने वाले वो व्यक्तित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अब होगा दहन उनका, जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आनंद लेते हैं रावण दहन का, और हाथ उठाकर गुंजायमान होइए, जय श्री राम। स्वयं ज्ञान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के इस रावण दहन में प्रतिभागिता दिखाती है कि हर जनमानस तक उनकी पहुंच है और सबके व्यक्तित्व को वो एकीकार करते हैं। वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैव आतुर हैं, और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है जो स्वयं धर्म का प्रतीक होता है। और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुंचती है तो आवाज आती है, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्षण करीब आप सब देखेंगे किस प्रकार हमारे विजयी और सर्वोच्चतम राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसका दहन कर रहे हैं। उनका दहन जो अधर्म के प्रतीक है, उनका दहन जो अहंकार के प्रतीक है, उनका दहन जो असत्य के प्रतीक है, और उनका दहन जो अत्याचार के प्रतीक है, अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है, असत्य हमेशा समाप्त होता है, और अहंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और आपके हाथ की तालियां, जय जय। Jai Shri